अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम उठ गए थे, सुबह के 6 बज रहे थे, रोज़ की रूटीन है। स्कूल खुल गए हैं, जुलाई का जो महीना है हमारी ज़िंदगी में जुलाई लेके आया है सही की। तो हमने बना ली थी लस्सी, अब बना रहे थे आज हम मेक के लिए कुछ नया। तो हम बना रहे थे मेक के लिए अंडा, हम डाल रहे थे, हमें डाल दिया था। हम जो अंडे में हैं बच्चों को बेजल डाल के देते हैं ताकि बच्चे बेजल के चक्कर में बच्चे समझेंगे कि पिज़्ज़ा है और बच्चे आराम से स्कूल में खा सकें। और हम कर रहे थे यहाँ पर मैक को रेडी स्कूल के लिए। बस मैक तैयार हो गई थी और सुबह बच्चों का थोड़ा मूड ही शांत होता है तो ये मैक हो गया था मैक का बैग रेडी। और बस महक जाने के लिए रेडी थी, रक्षा वाले भैया का फ़ोन आ गया था, महक जा रही थी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? तो देखिए आज हम बना रहे हैं पसंदा। आपने खाया है होगा ज़रूर ये, अब क्योंकि बाज़ार में बहुत कम मिलते हैं, कसाई जो है वो बना कर नहीं देते। तो ये देखिए 1 kg हैं हमारे मटन पसंदे, ठीक है। और देखिए ये 4 डली है हमारा प्याज, और ये है खशखश और चने, मैंने पीस लिए थे, हमारे फ्रिज में रखे ही रहते हैं। तो मैंने इसका लिया है 1.5 टेबल स्पून खशखश और चने का, और मैंने इसमें पानी मिला लिया है। और ये देखिए अदरक है कटी हुई, और इसमें सारे गरम मसाले हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची, 4 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबल स्पून हल्दी। और ये देखिए कम से कम आधा किलो से थोड़ा कम हमारा दही है। और ये रहा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये देखिए हमारे सारे सामान जो है वो ये रहा, आप देख सकते हैं पसंदे जो हैं बहुत अच्छे से बना कर दिए कसाई ने। तो हमारा बहुत ही दिल चाह रहा था तो हमने सोचा आज पसंदे बनाते हैं। और आप हमको बताइएगा आप पसंदे किस तरह से और कैसे बनाते हैं। हमारे घर पर तो ऐसे बनते हैं, इसके स्टाइल अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो चलिए करते हैं तैयारी, आइए। तो चलिए अपनी रेसिपी हम करते हैं स्टार्ट। करते हैं गैस स्टार्ट। हमने ले लिया था सरसों का तेल, इसमें डाल दिया था हमने नमक ताकि हमारा जो सरसों का तेल है वो फट जाए अच्छे से। और देखिए हम करते हैं अब इसमें ऑनियन ऐड, ऑनियन ऐड करते हैं और करते हैं इसको ब्राउन। तो हमने जो ऑयल लिया है वो थोड़ा अच्छा लिया है, ज़्यादा यानी, क्योंकि जो हमारा खशखश और जो चना डलेगा वो हमारा तेल चूस लेगा सारा ज़्यादा। तो हमने धनिया लिया है बहुत ही कम, ठीक है। और हमने अब इसमें पानी ऐड कर लिया अपने मसाले में ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और फिर हम अपने सालन में इसको ऐड करेंगे। अदरक भी ले ली है हमने थोड़ी सी। और जब हमारा खाना पूरा रेडी हो जाएगा, जो हमने घर का गरम मसाला बना रखा है, फिर हम उसको ऐड करेंगे इसमें। तो अभी चलिए हमारी ऑनियन होती है इसमें, हम अपना करते हैं और काम। तो देखिए हमारी ऑनियन जो है माशाल्लाह वो हो गई है ब्राउन अच्छे से। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे अपने ऑनियन को। और जिस तरह से हम अपना फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में थोड़ी से 5 से 10 मिनट के लिए, और जो हमारी हो जाती है प्याज जो है वो हो जाएगी करारी। हमने इतनी कर ली कि हमारे और सालन में बाद में भी काम में आ जाएगी, काफ़ी अच्छी हो गई है हमारी, ज़्यादा प्याज हो गई है क्योंकि हमने 4 डलियाँ ले ली थी। और ये सालन जो है हमारे ससुर साहब को बहुत अच्छा लगता था, हमारे अब्बू को भी अच्छा लगता था, पसंद है। ये चीज़ें बहुत कम बनती हैं आजकल के ज़माने में क्योंकि कसाई देता ही नहीं है, क्योंकि इसमें लगती है बहुत मेहनत। हमारे कसाई जो है भाई हैं वो, तो उन्होंने दे दिया हमें। तो देखिए अब मैं फ्रीजर में रख के आती हूँ उसे। तो देखिए अब ये जो हमारा मसाला है मिला हुआ सब, मैंने इस पर पानी मिला लिया था, अदरक वगैरह जो सब था वो ऐड करूँगी।
और इस तरह से थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि जो ऊपर लग जाता है हमारा मसाला वो भी निकल जाएगा। और देखिए ये रहे हमारे पसंदे बड़े बड़े से बने हुए, तो चलिए करते हैं पसंदे। ये है हमारे 1 kg पसंदे, क्योंकि हम अपनी अम्मी को भी भेजेंगे थोड़े से। हमारे घर में तो आधा किलो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम दो ही मेंबर हैं। और जब मैं खाना पकाती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं सबको खिलाऊं और बाद में अपना खाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिल बैठकर खाना। तो थोड़ी सी अभी इसकी भुनाई करते हैं। और ये जो है हमारा पेस्ट जो है खसखस का और चने का, ये दलेगा बाद में, अभी नहीं। तो अभी हमारे पसंदे थोड़े से भून जाते हैं, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए हमारी जो ऑनियन है कितने अच्छे से हो गई है करारी एकदम, फ्रीजर में रखने के बाद। उसको हम थोड़ा भी पीसते अपने हाथ से क्रश करते हैं। तो देखिए हमारी सीटी लग गई है और हमारे जो पसंदे हैं थोड़े गल गए हैं। तो आप देखिए ये जो दही था और जो पेस्ट था खसखस चने का और प्याज, हम एक साथ ऐड करेंगे इसमें। तीनों चीजें एक साथ ऐड करनी है। तीनों एक साथ ऐड करनी है, अलग अलग नहीं। पहले सीटी लगेगी गोश्त में मसाले के साथ और बाद में डलेगा ये सामान सारा। तो अब करते हैं इसको हम मिक्स, जो हमने खसखस दही और प्याज डाली है। और ये सालन जो है काफी भुना हुआ बनता है, इसमें शोरबा वगैरह नहीं रखा जाता पसंदों में। मैंने तो कम से कम 5 साल बाद बनाया है पसंदे, जो मैं अपने ओल्ड घर में रहती थी यानी पुराने घर में, वहाँ पर बनाए थे अपने ससुर जी के सामने मैंने 2 बार। अब काफ़ी टाइम बाद बनाए हमने। और आज माशाल्लाह बारिश ऐसी तेज आई और थोड़ी देर होकर रुक गई, तो उससे घमस जो है बहुत गंदा हो रहा है। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए माशाल्लाह सालन का रूप आप कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कलर हमारे पसंदों का कितने अच्छे से कलर आया है। और ये पक भी गए हैं, देखिए इसकी भाप आप देख सकते हैं। और ये भुन गए हैं बिल्कुल। और अभी हमने जो थोड़ा सा टेस्ट किया है वो बहुत अच्छा है, अभी हम खाने के टाइम बताएंगे आपको। और माशाल्लाह हमारे सालन का आप रूप देख सकते हैं। और पसंदे किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी तरह कौन बनाता है, कोई इसको पहले मिक्स करता है अलग से सब मसाले फिर ये बाद में बनते हैं। हमने इस तरह से बनाया है क्योंकि हमारी अम्मी इस तरह से बनाती हमने जब बचपन में खाया अम्मी के हाथ का और शादी से पहले। देखिए आप, तो माशाल्लाह देखिए फाइनली हमारे जो पसंदे हैं वो रेडी हो चुके हैं। और ये हम अपनी अम्मी को भेज रहे हैं हमारे पसंदे। देखिए माशाल्लाह से रौनक आप देखिए। चलिए हम आपको टेस्ट करके भी बताएंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है अपना सालन, तो चलिए अब करते हैं हम टेस्ट। चलिए हम टेस्ट करते हैं सालन। वाकई में आज 100% सालन जो है बहुत ही मज़े का बना है, मज़ा आ गया आज के सालन में, लाजवाब। मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।